कानपुर नगर से है। कानपुर ज्ञापन के माध्यम से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि देश व प्रदेश में अराजक तत्वों द्वारा गलत बयानबाजी कर महापुरुषों व जिस पर आस्था रखते हैं उन्हें अपमानित करना या आज के दौर में प्रचलन सा बन गया है। जबकि किसी धर्म व जाति विशेष पर टिप्पणी या अपमान किया जाता है तो अधिकांश समर्थकों व विरोधियों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। इसी कारण देश व प्रदेश के सभी हिस्सों में नफरत का माहौल बना हुआ है। बहुत जगह से हिंसा की भी खबर मिलती रहती है। इसे दिनों दिन संपूर्ण विश्व में देश की छवि धूमिल हो रही है, जो हमारे देश व समाज के लिए हानिकारक है। 3 जून 2022 को शहर कानपुर में घटित घटना की हम निंदा करते हैं, जहां पर दो समुदायों के बीच वाद विवाद को कुछ अराजक तत्वों द्वारा दंगे का रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन शहर के संभ्रांत लोग व धर्म गुरुओं ने अमन चैन व शांति बनाए रखने की अपील कर एकजुट व सौहार्द में रहने को कहा। सौहार्द व अमन चैन कायम रखने के उद्देश्य से आज जिला अधिकारी महोदय कानपुर को अखिल भारतीय अल्पसंख्यक बोर्ड के तत्वधान में ज्ञापन दिए जाने का आयोजन किया गया। भाई क्या पूछ पा रहे हैं, नीचे करिए, नीचे करो, थोड़ा ज्ञापन के बारे में बता भी दीजिए। आज किसी ज्ञापन देने आए थे जी? आज अरे भी ना बोल, अरे आप बोल, अरे आप बोल, अरे माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री के नाम है। इन दिनों देश के अंदर महापुरुषों के नाम पर तमाम टीका टिप्पणी, अशोभनीय टिप्पणी जो लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति विरोध की भावनाएं जो भड़का रहे हैं उसी के प्रति ज्ञापन दिया जा रहा है, ताकि देश में शांति बनी रहे और साथ ही साथ आपसी प्रेम और सद्भाव और एकता बना रहे। आज अखिल भारतीय अल्पसंख्यक बोर्ड के उपाध्यक्ष पादी जितेंद्र सिंह, हमारा मकसद सिर्फ यही है ज्ञापन देने का, जो हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के नाम दिया है, ताकि देश में अमन चैन कायम रहे। इन दिनों देश के हालात देख रहे हैं, एक धर्म दूसरे धर्म से झगड़े कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि देश में भाईचारा, अमन कायम हो, और ये कैसे कायम हो, प्रशासन और शासन दोनों इसमें हस्तक्षेप करें। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि ऐसे अनर्गल बातों को करने वाले लोगों के मुंह बंद किए जाएं और इन पर कठोर कार्रवाई की जाए। जो महापुरुषों पर टीका टिप्पणी करते हैं उनकी भी टीका टिप्पणी बंद की जाए, ताकि हम सब, जो देश के प्रधानमंत्री ने स्लोगन दिया था कि सबका साथ सबका विकास, यही स्लोगन को पूरा करने का समय है। सबका साथ सबका विकास तो तब होगा जब सब आपस में प्रेम और एकता के साथ रहेंगे। इसी मकसद को लेकर आज हम यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। अखिल भारतीय अल्पसंख्यक बोर्ड की तरफ से हम लोग ये ज्ञापन देने आए कि देश में अमन चैन रहे, कोई भाईचारा रहे, भारत का संविधान लागू रहे, और जो लोग भी टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे वो पैगंबर के खिलाफ हो, मोहम्मद साहब के खिलाफ हो, चाहे बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ हो, अभी बाबा साहब के खिलाफ एक टिप्पणी की गई जिसमें ये कहा गया कि बाबा साहब अंबेडकर देश के पहले बलात्कारी हैं, उन सारे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत हो, वो ये चैनल बंद हों, जिससे देश में अमन चैन रहे। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सामने भाई क्या पूछ पा रहे हैं, नीचे करिए, नीचे करो, थोड़ा ज्ञापन के बारे में बता भी दीजिए। आज किसी ज्ञापन देने आए थे जी? आज अरे भी ना बोल, अरे आप बोल, अरे आप बोल, अरे माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री के नाम है। इन दिनों देश के अंदर महापुरुषों के नाम पर तमाम टीका टिप्पणी, अशोभनीय टिप्पणी जो लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति विरोध की भावनाएं जो भड़का रहे हैं उसी के प्रति ज्ञापन दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।